26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक अपर जिलाधिकारी प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मौजूद रहे। बैठक में एडीएम प्रशासन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष में परंपरागत तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ले और गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाए। 26 जनवरी उसी के क्रम में यह तय किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम है कि प्रातः काल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाए। इस अवसर पर संविधान में उल्लिखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाए। राष्ट्र ध्वज में गुलाब की पंखुड़ियां लगाकर फहराया जाए। प्रातः 8:30 बजे पुलिस परेड पुलिस लाइन में संपन्न होगा। पुलिस लाइन में परेड का संपूर्ण कार्यक्रम भव्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल संयोजन में प्रारंभ होगा। पुलिस लाइन में पुलिस के अतिरिक्त एनसीसी दल, बॉयज कैडेट, स्काउट गाइड तथा होमगार्ड जवानों को शामिल करके परेड कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बैठक में उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक आए हैं, उनके विभाग से कोई डीआईएसपी कार्यालय से पहले क्यों जो होना है गणेश मिश्रा स्वतंत्रता सेनानी अध्यक्ष है। पुलिस लाइन में परेड होगा, वहीं पर होमगार्ड जवान ये सब लोग रहेंगे। गाँव में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रगान जनगण मन का सामूहिक गावन अवश्य हो। इन बलों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंग दोहराए जाएं। लेखक प्रतियोगिताएं भी यथासंभव तथा जिला कारागार बिस्मिल पार्क में शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी चौरी चौरा आप हैं, आप वहाँ करवाएंगे कार्रवाई चौरी चौरा से एवं उप जिलाधिकारी सहजनवा तथा वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार को सुझाव दिया गया कि उक्त शहीद स्थलों का पूर्व से निरीक्षण करके आवश्यकता अनुसार सफाई आदि की व्यवस्था कराते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना। 3 लोग अपन नगर आयुक्त नगर निगम से है कोई? ठीक है, जो मलिन बस्तियां हैं उनकी सूची दे देंगे कि कहां कहां सफाई कराया जाना है। उसमें अधिकतम 12 बजे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जिला को स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम के संयोजक अपर नगर आयुक्त नगर निगम, अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर, नगर मजिस्ट्रेट, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, कैंट जिला कमांडेंट होमगार्ड, डीओ पीआरडी, संचार निरीक्षक, पुलिस लाइन सहायक सूचना निदेशक टीम, वार्डन, नागरिक सुरक्षा एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।